हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रीचल लाउटरऑट सेवन एट सिक्स कैसे हैं आप लोग आए हो खुश होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे हैप्पी होंगे डियर आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या चल रहा है क्या हो रहा है ओके तो ये एक जनरल कलेक्टिव है पूरी तरह से टाइमलेस है जब भी आपके सामने आती है कुछ ना कुछ गाइडेंस कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा ओके डियर तो चलिए देखते हैं अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आता है वीडियो से कोई गाइडेंस मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है डियर बहुत ज्यादा सैड एनर्जी दिख रही है मुझे हम्म ऑफ सोर्ड्स माय गॉड टेन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज्यादा दर्द भी है तकलीफ भी है हरमिट डियर आपके पार्टनर के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं कहीं ना कहीं हेलमेट मोड पे चले गए हैं और काफी टाइम से हमारे पास में हेलमेट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ट्स है दिल भी टूटा है दर्द भी मिला है तकलीफ भी मिली है पर बैलेंस टेम्परेंस का कार्ड है तो बैलेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर डगमगाया है थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पावर पावर में आती दिख रही है डियर ठीक है अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है तो डियर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो फैमिली है जो इंसान है वो कोई ना कोई स्टेप कोई ना कोई स्ट्रेंथ में आती दिख रहा है कोई ना कोई पावर में आता दिख रहा है और बहुत जल्द यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइट कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े मैंने फाइट बोला फाइट का कार्ड है तो ये बहुत ज्यादा दिख रहा है यहां पे द वर्ल्ड का कार्ड है द टावर मोमेंट हैंगमैन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स द डैव ओके तो कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ट्स तो डियर बॉटम की एनर्जी तो ये बता रही है कि यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है डियर देखिए सबसे पहले तो आपके पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल अकेला रहना है जगलिंग में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द में है सैडनेस से डील कर रहे हैं उनके हार्ट में उनके दिल को हर्ट हुआ है कुछ ना कुछ और बहुत ज्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं ओके डियर कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे सबसे पहले तो यहाँ कैप्रिकॉन डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे लियो बहुत हैवी है वर्गो बहुत हैवी है लियो कैप्रिकॉन और वर्गो ये साइन बहुत हैवी है डेक पर पर डियर यहाँ पर वॉन्ट की एनर्जी भी आई है तो वॉन्ट की एनर्जी बता रही है मेज सिंह धनुराशि एरीज लियो सेजिटेरियस है जेमिना लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है और टोरस वर्गो कैप्रिकॉन विषभ कन्या मकर राशि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस तो यहाँ पर कर्क वृश्चिक मीन राशि ठीक है तो यहाँ पर सारे साइन है पर डैक पर कैप्लिकॉन लियो और वर्गो बहुत हैवी एनर्जीज मुझे फील हो रही है यहाँ पर इनकी तो डियर देखिए सबसे पहले तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की जो सिचुएशन है उसकी बात करी जाए तो आपके पार्टनर का मैंने यहाँ से पूरा बता दिया है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा जगलिंग में फंसे हुए हैं हर्मिट मोड पर चले गए हैं नेक्स्ट रीडिंग में भी यही आया था कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं हर्मिट मोड पर चले गए हैं अवेकन हो रहे हैं अवेकनिंग से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर्मिट का कार्ड आता है तो यही बताता है और कहीं कही ना कहीं इनको दर्द है को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और बहुत ज़्यादा किसके कारण बॉटम की ऑल ऑफ एनर्जी जो निकली है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स डियर आपको दिख रहा होगा कि क्वीन ऑफ सोर्स निकला है क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड यही बता रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी से प्रॉब्लम था इनको बहुत ज़्यादा मैनुपलेट करने वाले इंसान से प्रॉब्लम था इनको उस थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था तो इन्होंने क्या हुआ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया अकेले रहना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में जगलिंग में फंस गए थे बहुत ज़्यादा अकेले रहना और सैड रहना ठीक है इनके दिल को कहीं ना कहीं कुछ हर्ट हुआ है ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है लेकिन डियर यहाँ पर मुझे स्टेप लेते थर्ड पार्टी दिख रही है अगर बात करी जाए तो ये थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हर्ट करने का बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रही है क्यों क्योंकि आपके पार्टनर जो है इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इनसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये थर्ड पार्टी से हट आगे बढ़ सके पर डियर ये बात थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है कि आपका पार्टनर जो है थर्ड पार्टी से दूरियां बना रहे हैं मैं और लड़ाई झगड़े कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती है यहाँ से देखिए फाइव ऑफ वांट का कार्ड है फाइव ऑफ वांट का कार्ड यही बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं इनसे उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं जिस तरह से ये पहले बात करते थे तो ये इनका नेचर जो है थर्ड पार्टी को बहुत अजीब लग रहा है और थर्ड पार्टी जो है डेविल की एनर्जी में आ गई है डियर हंड्रेड परसेंट ये डेविल का कार्ड यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने वाली है बहुत ज़्यादा ऐसे हालात बनाने वाली है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके आगे झुक जाए और पूरी तरह से उनसे माफ़ी मांगे हैंड हो जाए इस तरह की सिचुएशन चाह रही है यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं ये पूरी सिचुएशन को बता रहे हैं थर्ड पार्टी की कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपका पार्टनर जो है दुनिया में कहीं भी चला जाए ठीक है लेकिन वो आपके पार्टनर को हर्ट करके रहेगी उनको सबक सिखा के रहेगी या रहेगा ठीक है मेल फीमेल कोई भी हो सकता है डियर आप अपने हिसाब से ले लीजिए ठीक है हो सकता है मैं फीमेल की तरह बोल रही हूँ पर आप मेल की तरह ले लीजिए अगर आप फीमेल देख रही हैं और अगर मेल देख रहे हैं तो आप फीमेल की तरह ले लीजिए ओके रियर तो यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है तो डियर वो जो थर्ड पार्टी है आपकी सिचुएशन में जो भी इंसान है चाहे फैमिली है एक्स है गर्लफ्रेंड है हस्बैंड है वाइफ है है ना तो जो भी इंसान है जिसके कारण आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप दोनों अलग हुए हैं और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है तो वो थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं बहुत पूरा पूरा अपना स्ट्रेंथ अपना पावर लगाने की कोशिश कर रही है अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रही है कि आप आपका पार्टनर का जो बैलेंस है जो उन्होंने बैलेंस क्रिएट करा है जो, जो, कर जो सैडनेस की तरफ वापस आए वो नहीं चाहती कि आपके पार्टनर जो है आगे बढ़े या आगे बढ़कर आपका हाथ थामे या आपको कोई कमिटमेंट दें तो इस तरह का बहुत दिख रहा है और अगर आपके हस्बैंड थे जो थर्ड पार्टी के पास में आ गए थे या तो थर्ड पार्टी के साथ में किसी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे तो डियर यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये मैरिड पर्सन नहीं थे आपके पर्सन ने इस इंसान से इस थर्ड पार्टी से मैरिड नहीं की थी ये एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और काफ़ी टाइम थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से मैरिट के लिए कहा था एक कमिटमेंट के लिए कहा था पर डियर यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से भागते रहे थर्ड पार्टी को जगलिंग वाली स्थिति में रखा उन्होंने और उन्होंने क्या किया उनको हमेशा टालते रहे ये कि आज नहीं हम कल सोचेंगे या कभी और कर लेंगे अभी समय अच्छा नहीं है फैमिली नहीं मानेगी या मुझे मैंने अभी डिवोर्स नहीं लिया है या अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करके और थर्ड पार्टी को एक्सक्यूज़ देते रहे कि अरे अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं तो इससे क्या हुआ थर्ड पार्टी का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी डिप्रेशन में चली गई और थर्ड पार्टी आपके जो पार्टनर का बिहेवियर है वो भी देख के बहुत ज़्यादा हैरान है कि इनके बिहेवियर में क्यों चेंज आया है थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है जिसका आपके पार्टनर जो हैं वो रियलाइजेशन कर चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है अपने फ़ायदे के लिए उनका यूज़ कर रही थी या थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा देख रही थी तो ये आपके जो पार्टनर हैं उनको सब कुछ समझ में आया है कहीं ना कहीं और उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि उनका जो बैलेंस उनकी लाइफ का जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है वो इस थर्ड पार्टी के कारण डिस्टर्ब हुआ है और थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर की लाइफ से बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थे बहुत से ऐसे दोस्त यार थे बहुत से ऐसे रिश्ते थे जो टूटे हैं ठीक है क्यों क्योंकि थर्ड पार्टी जो थी अपना घर परिवार अपने फैमिली वाले अपने रिश्तेदारों को बहुत साथ में लेके चल रही थी पर डियर आपके पार्टनर का जो भी फ्रेंड्स था जो भी उनकी well विषर थे जो भी उनकी चिंता करते थे जो भी उनकी केयर करते थे उनको उन्होंने उनकी लाइफ से हटा दिया तो ये थर्ड पार्टी जो थी डियर इन्होंने ऐसे काम किए कि आपके पार्टनर अब आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं हर्मिट मोड पे चले गए हैं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके आगे भी कोई नहीं है उनके पीछे भी कोई नहीं है जिस भी सिचुएशन में जिस भी दर्द में वो हैं चाहे इन्हें हेल्थ इशू क्यों ना हुआ हो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के लिए लग रहा है कि इन्हें हेल्थ इशू भी हुआ है तो ये थर्ड पार्टी उन पर ध्यान नहीं देती है ये थर्ड पार्टी बात बात पर झगड़ा करना लड़ाई करना और इस तरह का नेचर दिखाती है थर्ड पार्टी शायद आपके पार्टनर से किसी बात पे नाराज है हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ने आपकी बात करी हो या आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कह दी हो जिससे थर्ड पार्टी हर्ट हुई थी और थर्ड पार्टी स्टक हो गई थी और थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि आज भी इस इंसान के दिल में आपके लिए जगह है आपके लिए प्यार है आपके लिए दिल में कहीं ना कहीं कोई तो एक अच्छी जगह बना रखी है जो आज भी ये इंसान जो है आपकी तारीफ कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ में अटैच होते हुए तो डियर कहते हैं ना कि जो इंसान लविंग एनर्जीज देता है प्यार दे है सच्चा प्यार करता है उसको कोई भूल नहीं पाता तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपको भूले नहीं है आपके आपके प्यार को आपके को को दर्द सब चीजों वो सारी सिचुएशन उनके सामने आ रही है और यहां पर थर्ड पार्टी जो है डेविल का रोल अदा कर रही है और एक भी कसर नहीं छोड़ रही आपके पार्टनर को डिप्रेशन में रखने की क्योंकि थर्ड पार्टी सबसे पहले तो देखिए क्या कर रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस सेंड कर रही है ठीक है और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है कुछ नेगेटिव एनर्जी स्पेल वर्क नेगेटिव अ ऊर्जा का उपयोग करके आपके पार्टनर को या फिर ब्लैक मैजिक का उपयोग करके आपके पार्टनर को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इन्होंने इस कंट्रोल के जरिए आपके पार्टनर का फाइनेंस जो था आपके पार्टनर का जो बिहेवियर जो था आपके पार्टनर का जो बोलने का तरीका जो था जो स्टेटस था वो डाउन किया है ठीक है कहीं ना कहीं इनका स्टेटस जो था वो डाउन हुआ है और अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये टावर मोमेंट चला है जिस टावर में आपके पार्टनर जो है बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को ऐसा लग रहा है उनको कि ये थर्ड पार्टी जो है उनके साथ में कोई षड्यंत्र रच रही है या किसी बहुत बड़े आ, शातिर आ, क्या कहना चाहिए कि माइंड से आपके पार्टनर को हर्ट करने का एक जरिया ढूंढ रही है और ये जो भी थर्ड पार्टी है किसी फीमेल फिगर में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में वो फीमेल हो सकती है तो ये फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ से आ रही है पर डियर ये आपको कहीं भी चले जाइए आपके पार्टनर कहीं भी जाएँ तो ये जो थर्ड पार्टी है उनको सुकून से नहीं रहने देगी अगर आपके पार्टनर यहाँ से कहीं बाहर एब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर कहीं अपनी जॉब को सेटल करना चाहते हैं तो डियर ये जो थर्ड पार्टी है उनको हर्ट करती रहेगी किसी ना किसी बात पे और बहुत ज्यादा मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दुनिया के किसी भी कोने में सुकून से चैन से नहीं रहने देगी क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो आपके पार्टनर है उनकी दुनिया है थर्ड पार्टी उनको अपनी दुनिया मानती है उनको अपना जीने का जरिया मानती है अपने जीवन की कड़ी मानती है, पर डियर ये उनका ध्यान नहीं रख सकती है ये उनको अपनी दुनिया इसलिए मानती है क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं इनके गुलाम बन के रह गए हैं इनके ऊपर पूरा फोकस करते हैं इनके हर एक बात मानते थे ये जैसा इनको मैनुपलेट करती थी जिस तरह से ये चलाना चाहती थी आपके पार्टनर उस तरह से चलते रहते थे लेकिन जब आपके पार्टनर ने इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी इनके खिलाफ आ, सोचना शुरू कर दिया तब ये पार्टनर जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई बहुत ज्यादा ईगो में आ गई बहुत ज्यादा अपना रुद्र रूप दिखाने लगी क्योंकि यहां से देखिए यहाँ से क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ से थ्री ऑफ सोर्ड्स है यहाँ से पेज ऑफ सोर्ड्स है डियर ऑफ तो डियर ये जो थर्ड पार्टी है अपना मेनुपलेसन पूरी तरह से बता रही थी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मेनुपलेट करने की कोशिश कर रही थी कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी चाह रही थी आपके पार्टनर के साथ में कुछ सेलिब्रेशन हो जाए इनको सिर्फ सेलिब्रेशन चाहिए पार्टी चाहिए इंजॉय चाहिए और इसी चीज के लिए ये आपके पार्टनर पे नजर रखी थी कि ये कहीं अपना फाइनेंस किसी को दे तो नहीं रहा है या दे तो नहीं रही है या अपने फाइनेंस में किसी और को हिस्सेदार तो नहीं बना रहा है या बना रही है इस तरह का दिख रहा है ये थर्ड पार्टी जो है पूरी तरह से आपके पार्टनर को स्पाई करती रहती थी कि ये कहीं अपनी प्रॉपर्टी जो है या अपने जो थर्ड पार्टी की जरूरतें हैं डियर थर्ड पार्टी की जरूरत क्या है पैसा है ना पैसा और आपके पार्टनर का स्टेटस तो वो चीजों को पकड़ के रखना चाहती थी पर डियर आपके पार्टनर ने इनसे दूरिया मेंटेन करके ये बता दिया है कि इनको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है उससे थर्ड पार्टी बहुत हर्ट हुई है और थर्ड पार्टी अपना पावर का यूज करके आपके पार्टनर को हर्ट करने की पूरी कोशिश करेगी डियर ये इनकी लाइफ में डेविल का रोल प्ले करने वाले है ओके तो यहाँ पर मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है डेविल बन के इनकी लाइफ में टावर लाएगी और आपके पार्टनर के बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं हो सकता है फाइट हो सकती है वॉन्ड की एनर्जी निकली है फायर एनर्जी है बहुत ज्यादा फायर ही दिख रही रही है थर्ड पार्टी ठीक है क्योंकि उसे लग रहा है कि उनकी लाइफ का जो बैलेंस था उनकी लाइफ का जो एक सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं डगमगा गई है और ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि इनके हाथ से आपके पार्टनर का कंट्रोल छूट जाए या आपके पार्टनर इनके कंट्रोल से बाहर चले जाए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को घुटनों पे बिठाकर हमेशा अपने पास रखना चाहती है अपने मतलब अपने आगे झुकाना पसंद करती है हर बात पे ये थर्ड पार्ट जो है आपके पार्टनर को झुकाना पसंद करती है ये चाहती है कि आपके पार्टनर घुटने पे बैठ के माफी मांगे इनसे हर बात के लिए डियर यहाँ पे आपके पार्टनर ने यहाँ पर बहुत कुछ किया है इस थर्ड पार्टी के लिए लेकिन थर्ड पार्टी जो है अपना ईगो अपना मैनुपलेशन और जो चीजें ये करती आई हैं उसके थ्रू ये आपके पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है इस तरह की एनर्जी दिख रही है डियर बहुत फाइटिंग वाली एनर्जी दिख रही है धमाशाम युद्ध होने वाला है और आपके पार्टनर से ये माफ़ी मंगवाना चाहती हैं जो बिहेवियर आपके पार्टनर ने किया है तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी डियर अगर हेल्प मिली है गाइडेंस मिला है तो डियर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है और यूनिवर्स को थैंक यू लिखना मत भूलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए खुश रहें हैप्पी रहें अपना ध्यान रखें you <music>